जाग फरीदा जाग फरीदा जाग झाड़ू हरू लासी तू सुता तेरा रब जागदा आपके उसे समाज की नजर ना कर दूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। एक जाग न जाग, एक जाग दिया ही सुते سبب بن گئی ہے بے شک اور ہم میں سے کوئی خوش ہو یا نہ ہو میں ہوں یا نہ ہوں اعلی حضرت قبلہ عالم جو نہری شریف کا ستون ہے جو اس خاندان کے اللہ روح روان ہیں محی الدین غزنوی کے سینے کے وارث ہیں قلندر زمان ہیں میری مراد کی شیر ربانی یہ خوش ہو نہ ہو محترم علی قبر خوش ہوں یا نہ ہوں شہزادگان والا تبار خوش ہوں نہیں ہوں یا نہ ہوں ایسی برگزیدہ شخصیات جو تشریف فرما ہے جو عظیم لوگوں کے مرید ہیں یہ خوش ہوں یا نہ ہوں خدا کی عزت کی قسم آج اس محفل اللہ الکبیرہ جو آپ حضرات تشریف فرمائیں محبت سے پیار سے خلوص سے صدق سے جو تشریف فرمائیں یہ کیفیت دے کر آج تہ دل تشریف فرما درویش عالی قدر اعلی حضرت سفیر دفتر بندی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور اگر نہیں کہوں تو بخل ہوگا دل پہ بوجھ پڑے گا اور راستے میں بار بار سوچوں گا کہ میں نے یہ بات کیوں نہیں کہی خدا ہر باپ کو بیٹے دے تو سفیر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے شخص کو جو خدا نے بیٹے دیے ایسے بیٹے دیے جو فرما بردار بھی جو متقی بھی ہیں جو پرہیزگار بھی ہیں تسبیح خواں بھی ہیں درد والے بھی ہیں اور حضور نبی کریم تاجدار عالم و عجم کا گن گانے والے بھی ہیں اور ان کے ذکر خیر سے دلوں کو گرمانے والے بھی ہیں جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان پر کسی اور کوئی چیم بجبی ہوتا ہے تو کسی کے ماتھے پہ سلوٹیں آتی ہیں تو آتی رہیں کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں تو ہزار بار پڑے میں خود صوفی نہیں نہ پیر ہوں نہ جانے قبر میں میرے ساتھ کیا حال ہوگا لیکن ایک صوفی ایک پیر کا بیٹا ضرور میں خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھے لوگوں کی اولاد پہ کن لوگوں کا رنگ چڑھا ہوتا ہے یا کیسا رنگ چڑھا ہوتا ہے اب یہ رنگ جب چڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے تو
तो जब किसी के बेटे को आदमी देखे तो वो देख कर खुशी से फूले न समाए, महसूस करे कि वाकई ये अल्लाह वाला है, तो समझो कि ये तमाम कोशिश उसके वालिद की है, तरबियत उसके वालिद की है, ये तहरीर दिलाने का अमल उसके वालिद का है, ये तरगीब दिलाने का अमल उसके वालिद का है, रास्ते पे चढ़ाने वाले चढ़ाने का अमल उसके वालिद का है, पटरी पे चढ़ाने वाला चढ़ाने का अमल उसके वालिद का है, और सही रास्ता दिखाने का अमल उसके वालिद का है, और मुस्तफा के दर तक पहुंचाने का अमल उसके वालिद का है। दोस्त एक बात हमेशा के लिए देन नशीन कर लो, अच्छे बाप अभी नहीं लाओ, प्लेटें अभी नहीं लाओ, प्लेटें अभी नहीं लाओ, अच्छे बाप हूँ अल्लाह लज़्ज़त खुदूस से आजनाओ, वो अपने बच्चों को पटरी से उतरने नहीं देते हैं, ये चाहते हैं हमारी औलाद, मेरे दोस्तों हवादिसात ज़माना की आंधी आंधियों का शिकार न रहे बल्कि उसी हवा से लुत्फ अंदोज होते रहे, लुत्फ महसूस करते रहे, और उसी हवा को महसूस करते जो मदीने से चलती है। हजरात को देखकर दोस्तों पता चलता है कि वाकई इन पर जिस वालिद का हाथ था वो बेमिसाल था, और उन पर जिसका हाथ था वो बेमिसाल था, वो भी बेमिसाल था, फिर उन पर जिनका हाथ था वो भी बेमिसाल था, ये हाथ चलता 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 मेरे दोस्तों सिद्दीक अकबर के दर तक पहुंचता है, और फिर हुजूर नबी अल्लाह और सिद्दीक अकबर पर किसका हाथ था, मुस्तफा का हाथ था, और मुस्तफा के हाथों में जिन लोगों के हाथ थे खुदा का फरमान है कि मेरे महबूब जिन लोगों के हाथ तेरे हाथ में उन पर मेरे हाथ, सिलसिला है खुदा बुजुर्ग को बरतर हम सबको बामल बनाए, सवाले बनाए, परहेजगार बनाए, और तकवा से काम लेने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करे हमारी आदतें अच्छी हों, हमारे खसाइल अच्छे हों, हमारा उठना अच्छा हो, हमारा बैठना अच्छा हो, हम बादशाह बने, तरीकत के नूर से खुद को आशना करके शारा हयात पे दामदर रहें, हमारे के लिए मुखलिस रहे जो गिरते हैं उनको उठाएं, जिनको कोई चाराकार नहीं कोशिश हमारी हो उनके चाराकार बने, जिनका कोई सहारा नहीं उसका सहारा बने, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, इससे हट कर जिंदगी मेरे दोस्तों अगर कोई ये कहे कि इससे हट कर कोई जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो ये बात हमेशा के लिए ध्यान नशीन कर लो कि जो लोग दूसरों के लिए मुखलिस बनकर अहले दुनिया से दार अहले दुनिया को दार मुफारिकत देते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, कब्र में भी कामयाब होते हैं, और आखिरत के लिए मैदान में भी कामयाब और सुरखुश होते हैं। जाने वाला चला गया, बोलो जाने वाला चला गया, हमसे रुख्सत होने वाला रुख्सत हो गया, उफक वसाल के पीछे तशरीफ ले जाने वाला अल्लाह वाले तशरीफ ले गया, जाम विसाल नोश करने वाला नोश कर गया, लेकिन उसकी जिंदगी का एक एक अमल गमाज है इस हकीकत का, खुदा की इज्जत की कसम कि वो वाकई मुसाफिर था, बोलो सारे वो वाकई मुसाफिर था, लेकिन ज़्यादा हक का मुसाफिर था, ज़्यादा वफा का मुसाफिर था, ज़्यादा हया का मुसाफिर था, ज़्यादा खलूस का मुसाफिर था, ज़्यादा शजाहत का मुसाफिर था, ज़्यादा इश्क का मुसाफिर था, ज़्यादा मुरब्बत का मुसाफिर था, ज़्यादा मुबद्दत का मुसाफिर था, और ये याद रखो खुदा की इज्जत की कसम कि ऐसे मुसाफिरों को फिर हुजूर तन्हा नहीं छोड़ते, सीने से लगा कर ये कहते हैं कि मेरी तरफ आने वाले अल्लाहु अल-कबीरा ऐ वफा के नूर से खुद को आशना करके मेरी तरफ कदम उठाने वाले सुन ले कि मैं जन्नत में तन्हा नहीं जाऊंगा तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी मोहब्बत रसूल के हवाले से बसर होती है वही दुनिया में भी हुजूर की माइयत के नूर से